खुश आमदीद। आज हम मिल रहे हैं निमरा खान से, जिन्होंने 17 केजी वजन कम किया है। और अब ज्यादा नहीं, मैं आपके सामने सरप्राइज रखूंगी। वी वुड लव टू नो निमरा, कैसे? बस क्या मैं क्या ओके तो आप लिखेंगे या मैं वैसे बता? मैं लिखती हूँ, बोलो। सुबह क्या करती थी? वैसे तो कितने बजे? ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लिखने में, लेकिन सुबह कितने बजे? कितने बजे? आई एम एन अर्ली राइजर, मैं सुबह बहुत जल्दी उठती हूँ, मतलब 7-8 बजे उठ जाती हूँ मैं। तो मेरा नाश्ता 8-9 बजे से शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर मुझे वो गैप कंप्लीट करना होता है। तो मैं 7 बजे समझे बॉयल एग्स खाती हूँ, वाइट एग, वाइट, उसकी जर्दी नहीं, जर्दी को अलग करके। सफेदी? तीन, तीन अंडों की सफेदी, तीन अंडे सफेदी। और वो मतलब क्यों, इसका मतलब क्या था? इसका क्या था? नहीं, ये खुशी थी या ये क्या ये था? क्या था? हाँ, जो नहीं रह सकते, मतलब तीन अंडों की सफेदी खाने के बाद फिर दिल करता होगा ना कि अभी मजीद कुछ और। अच्छा, तीन अंडों की सफेदी। हाँ जी। और फिर उसके आधे घंटे के गैप के बाद मैं खाती थी एप्पल। आधे घंटे बाद? आधे घंटे के बाद एक पूरा एप्पल। एक पूरा एप्पल वैसे करके खाती। अच्छा, सेम। फिर? और फिर आधे घंटे के गैप के बाद ग्रीन टी। फिर 8 बजे ग्रीन टी। ग्रीन टी, ठीक है। नाश्ता मुकम्मल। कावा कहेंगे, ग्रीन टी क्या कहूं? ग्रीन टी, बस। अब अच्छा, अब और? यही था सब कुछ। दोपहर में भी फिर मेरा 12 से 1 के दरमियान का ये सेशन था, और फिर 8 बजे मेरा आखिरी मील होता था। नहीं नहीं, एक मिनट, एक मिनट। हाँ, ये ही हो गया, ये ही दोपहर का खाना है। दोपहर कितने बजे? 12-1 के दरमियान। 12-1 के दरमियान फिर यही खा लिया। यही। और फिर अगर मुझे 5 बजे के करीब अगर भूख लग रही है, लेकिन मैं हर एक दिन छोड़ के मैं जूस पीती थी सुबह सुबह, वो भी मैं बताऊंगी, लेकिन मैं स्लोली स्लोली बताती हूँ। वो मेरे फादर निकाल कर देते थे जूस, तो जिससे मेरी स्किन और मेरे बाल अच्छे रहते थे। तो वो था लौकी, टमाटर, गाजर, सेब, चुकंदर और खीरा, इसका निकाल के फ्रेश जूस। सारी चीजें अब्बा ने नहीं बनानी होती थी ना घर में, वो इसके जूस निकाल के तो सर क्या करे, इसी को पिला देते। तो वो सब मिक्स करके अब्बू जूस मेरे पिला देते। ऑल्दो सुनने में बहुत उलझन होती होगी कि यार कैसे, लेकिन उसमें सिर्फ कैरेट का टेस्ट आता था और कुछ भी नहीं टेस्ट आता था। तो ये कि वो एक पूरा ग्लास में पीती थी, okay, तो वो एक टाइम का मील हो जाया करता था। लाइक उससे मुझे ऐसा लगता था कि मेरा वो नाश्ता हो गया। तो मैं कभी कभी जो ये 7 बजे का नाश्ता है, वो अगर मैं सुबह 7 बजे जूस पी रही हूँ, तो वो मैं 11 से 12 के दरमियान वो मैं खाती थी जो मैं सुबह 7 बजे खा रही हूँ। फिर मैं 3 से 4 के दरमियान दोपहर का लंच करती थी यही चीज़ तीनों, और फिर मैं 7 से 8 पैक कर लिया करती थी इसी से। और अगर मुझे बेवक्त भूख लगती थी, फिर भी मैं अंडे ही बॉईल करके उसकी सफेदी खाती थी। अगर मुझे बिला वजह, एक होता ना रात को जब आप फोन यूज कर रहे होते, तो वो कुछ यहाँ से भी खा लो कुछ, वो बेवक्त जो मूवी देखते हुए आपको दिल करता है, मैंने उसमें भी कुछ नहीं खाया था, मैंने उसमें भी अंडे बॉईल करके खाए थे। और ये कितने दिन तक ये? और ये 7 दिनों का था सिर्फ चैलेंज, 7 डेज। 7 दिन से ज्यादा का नहीं था। एंड 7 डेज में कितना वजन कम किया? 8 केजी मेरा गिरा। 7 डेज में 8 केजी। और जब मेरा 8 केजी गिरा, तो मुझे एक्चुअली खुद नहीं पता चल रहा था कि मेरा 8 केजी गिरा है, क्योंकि मैं वेट मशीन पे जा ही नहीं रही थी। मुझे वैसे ही डर लग रहा था कि पता नहीं अगर हल्की सी भी सुई नहीं हिली तो मेरा क्या होगा। तो मुझे वैसे नहीं, तो मुझे लोगों से पता चलती है, और निम्रा क्या मतलब दुबली होती जा रही हो। अच्छा, मुझे कपड़ों से ना थोड़ा थोड़ा के यहाँ से 1 इंच लूज, और मुझे वहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलती रहती थी। फिर वजन कम किया था जब, हाँ जब वजन कम होने लगा था मेरा, फिर मुझे किस दिन वो वहाँ पे खड़े होकर वजन किया था कि यार? जब मैंने ब्राइडल कुटो वीक एज अ शो स्टॉपर किया, मुझे कॉल आई कि और मैं गई हूँ, और उनका ड्रेस मुझे मेरे मैनेजर ने कहा कि ना पहले प्लीज इनको बुला के चेक कर ले, क्योंकि ना थोड़ी सी मेजरमेंट्स में इनकी इश्यू होता है। तो ना मुझे कुछ अच्छी नहीं लगी थी ये बात ज़्यादा लेकिन मैंने कहा चलो कोई नहीं, मेरा ही मैनेजर है, क्या करना तो पड़ेगा। गए हम लोग, तो वो मुझे उसी टाइम पे आ गया ना, कहते आप तो कह रहे थे कि ये चीज़ ऐसे करनी पड़ेगी, वैसे तो इनको बिल्कुल फिक्स है, या तो ये हमारा खुला ड्रेस है या
मैंने कहा यही बोल देते कि मैं दुबली हो गई हूँ, मतलब ड्रेस भी खुला हो गया आपका। तो फिर मैंने जब पहली दफा एज अ शो स्टॉपर मैंने बेल्कटो वीक वॉक किया था रैंप पे, तब मुझे हुआ कि नहीं मेरी जिंदगी चेंज हो रही है ग्रेजुअली ग्रेजुअली ग्रेजुअली। वाह, एक वजन का कम होना, एक वजन का कम होना, लेकिन ये चेंज हो रही है। आसान नहीं, जितना लिखना आसान है उतना करना आसान नहीं है ये, लेकिन लिटरली मैं बता रही हूँ, अगर ये घर की ये घरेलू औरतें या लड़कियां हैं जो भी, अगर ये एक हफ्ता कर लेना, मैं सीरियसली बताऊँ, उन जूसेस के साथ मैं सीरियसली मैं गारंटी दे रही हूँ कि आप लोग किसका 2 किलो से वजन कम हुआ था आपका? सिर्फ 2 किलो 6 महीने में। मैंने क्या है माइक नहीं, तो बेस्ट होता है ना, ये बेस्ट नहीं होता है ये। हाँ, सुबह का नाश्ता चाय, चाय और पराठा। ओके, एंड देन उसके बाद पराठे के साथ कुछ और भी तो होता होगा। हाँ, देखा ना, वो अंडा गोल कर रही है, तो चाय पराठा अंडा, और पराठा जो है वो एक अदद के दो, एक एक ओके बड़ा वाला जी, वेरी गुड। और फ्राई होता होगा, फ्राई अंडा ना जी। फिर उसके बाद कितनी देर के बाद कुछ और खाना है? दोपहर में। दोपहर में, दोपहर कितने बजे हो जाती है? 12 बजे। 12 बजे क्या क्या कुछ खाया उसमें? उसमें ज्यादातर बाहर की चीजें जो बर्गर हो गए जी, फ्राइज हो गए, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, है ना? है ना? अच्छा अच्छा। फिर उसके बाद फिर कब खाया? फिर शाम में 8 बजे। फिर शाम में 8 बजे, बीच में भी अच्छा, ये 8 शाम थी, 8 बजे मेरी थी, रात हो जाए करती थी, और बस ये मेरा लास्ट ईयर 8 बजे होता था। अच्छा, शाम को 8 बजे क्या खाती थी आप? जो सालन बना था उसके साथ एक रोटी। एक रोटी और रात बीच में, अभी तो इनकी रात नहीं आई। और रात में अगर कुछ बाइट से आ जाना तो वो ज्यादातर, मतलब अगर चिप्स वगैरह और इस तरह चीजें, कुछ चरगा मरगा भी आ गया है तो वो भी चलेगा, सब कुछ चलेगा। हां, फिर अच्छा रोल आ जाए तो देखिए ना, फिर से 2 kg वजन कम। ये जो डाइट कह रही है निमरा, ये डाइट करनी है, कर सकती है, कर सकती है जी, कर लूंगी। नहीं, मैं लिटरली जानना चाहती हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर मैं आऊँगी फराह के शो पे, और मैं चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताएं कि ये एक्चुअली, लेकिन सबकी टेंडेंसी अलग होती है बर्दाश्त करने की, सबका इम्यून डिफरेंट होता है कि कौन, मेरा हर दिन वेट गिर रहा था जी, 1-1 kg, आपका शायद 2-3 दिन में गिरे। अच्छा, जरूरी नहीं है। अच्छा, जब वजन गिर रहा था तो बाज़ुकात ना उसके साथ डिप्रेशन भी होता है, उसके साथ बंदे को थोड़ा सा चक्कर वक्कर भी आते हैं। मुझे वीकनेस, मैंने कहा ना वीकनेस मुझे इसलिए नहीं, क्योंकि मैं जूसेस बहुत ज्यादा इनटेक, मैं सीजनल जितने फ्रूट्स होते थे मैं उन सब के जूसेस पीती थी। मैं एवरी डे इतना बड़ा ग्लास, अभी भी लाइक इतना, एक्चुअली इतना बड़ा ग्लास, इफ आई शो यू, मैं मतलब मैं ऑरेंज जूस खुद फ्रेश निकाल के पीती हूँ, लाइक एवरी डे मैं इतना बड़ा ग्लास पीती हूँ। कितना बड़ा? इतना बड़ा ग्लास है वो, और ये एक ही दफा में पीती हूँ, एक ही दफा में, मतलब ये मेरा आजकल का, लाइक जब से मैं लाहौर आई हूँ शूट के लिए, मैं ड्रामा शूट के लिए लाहौर आई हुई हूँ, तो मेरा एटलीस्ट मैं 14 फेब से आई हुई हूँ, अब तक का यही नाश्ता है मेरा सुबह का, इतना बड़ा ग्लास ऑरेंज जूस, लाइक एक्चुअली वो इतना बड़ा ग्लास है वो, मैं सिर्फ शो नहीं कर रही, सिर्फ ऑरेंज जूस, सिर्फ ऑरेंज जूस नाश्ते में, और कुछ नहीं। नहीं, मुझे कैल्शियम से बहुत खुश होगा, हमारे जैसे तो एक्टर्स अल्लाह मियां सबको दे जो हर वक्त डाइट। और सीरियसली मैंने अपनी, मुझे पता है कि ये मेरा शौक है, तो मैं क्या किसी को, ये भी हो सकता है कि ना मैं शूट वालों को बोलूं, उनके ऊपर इतनी जिम्मेदारियां होती हैं, हाँ जी मैम अभी बस ला रहे हैं, अभी बस ला रहे हैं, आधा घंटा निकल गया, अब मेरा टाइम निकला जा रहा है, 1 घंटा निकल, बस अभी ला रहे हैं, अब मुझे लगना शुरू हो जाएगी भूख, क्योंकि मैंने यहाँ से सोच लिया कि मेरा तो वो जूस का टाइम जा रहा है, अब मेरा खाने का टाइम करीब आ रहा है, तो अब मैं क्या करूँ, मुझे भूख लग रही है, अब वो सोच सोच के, तो मैंने अपनी मशीन भी खुद खरीद ली है, जूसर मशीन, वो मैं शूट्स पे खुद लेकर जाती हूँ। हाँ, सीरियसली मेरे अब्बू कहते हैं कि ना पेट के लिए कभी किसी के लिए, किसी के आगे ना जब तक है जेब में, पेट के लिए कभी किसी के आगे नहीं चुके, तो मुझे होता है कि नहीं यार ये ज़ाती शौक है, ये खुद ही पूरे करने मैंने, ठीक है। तो मैंने ऑरेंज जूस निकालने की मशीन भी खुद ली हुई है, डेली सुबह जाते हुए फ्रेश ऑरेंजेस लेकर जाती हूँ, और सुबह भी वो पीती हूँ, और 6 बजे भी शाम के ही पीती हूँ ग्लास वो वाला, एक वेरी गुड। इतना तरद्दुद की जरूरत नहीं थी, वैसे सिर्फ यमन चले जाना था या इथियोपिया चले जाना था, लेकिन बहुत सारा कुछ ऑटोमेटिकली हो जाता। लेकिन मेरा सफर में बहुत वेट गिरता है, क्योंकि मैंने जैसे आप लोगों को बताया कि मैं देसी फूड लवर हूँ, तो बाहर जाके मुझे चीज़ें मिलती ही नहीं है, मैं इतना जंक फूड नहीं खाती, तो मुझे बाहर जाके अपने घर का खाना या ये चीज़ें मिलती नहीं है, मैं पहले जाके छानती हूँ सब कुछ कि कहीं मुझे इंडियन या कहीं दाल लिखा हुआ कुछ मिल जाए, तो ये वो, लेकिन फिर भी बाहर के मुल्कों में फ़ायदा ये होता है कि हमारे मुल्क में तो इतनी आज़ादी है कि आप कहीं भी गाड़ी पार्क कर लें या कहीं भी आप खड़े हो जाएं कुछ भी,
लेकिन वहाँ पर पार्किंग में ही पार्क करनी पड़ती है गाड़ी, फिर वहाँ से चल के आपको जाना पड़ता है। मतलब मोस्टली मैं लंदन रही तो लंदन में यही होता था कि वहाँ पर मैंने सूट बूट में लोग लाइक प्रॉपर ऑफिस वाले टायर शायर वाले लोग अपनी गाड़ी को एक घंटे की ड्राइव पे दूर पार्क करके साइकिल पे वो सूट बूट पहन के साइकिल पे ऑफिस जा रहे होते थे क्योंकि पार्किंग इश्यूज इतने होते थे। तो वो इसलिए वो लोग इतना फिट रहते और एक्टिव रहते। तो वॉक की वजह करने का मूड है अभी करते हैं, चले आज करते हैं। ये जो पराठा अंडा वाली है ना, ये इनके सामने करते हैं हम नाश्ता लेके आया। लेकिन वही होना चाहिए जो इन्होंने बताया, लेकर आए जल्दी से। आप अभी देखो कि ये सब कुछ है नाश्ते में लेकिन इसमें अंडा नहीं है। और अंडे जो है वो तीन अंडे बॉयल, तीन अंडे सफेदी लेके जर्दी, और जर्दी फेंक देती थी। जर्दी नहीं, बच्चों को छोटे बहन भाई उनको अम्मी ने खाने में मिलाकर दे दिया या किसी ने खाया, अम्मी ने खा ली उठा के, लेकिन जाया उसको भी नहीं करती थी, घर के किसी दुबले बंदे को दे दिया करती थी। क्या बात है, क्या बात है। अच्छा अब तुम ऊपर से ऐसा वो गाउन पहना, हमें इतना फील नहीं हो रहा कि कितना इंचेस में, लेकिन भाई लड़की ने बहुत ज्यादा जो है वो रिड्यूस किया। अगर बताओ तो 26 है कमर, लाइक ना 26. Very good. Okay. तो हम नाश्ता करेंगे अभी, और अगर आपने अभी तक नाश्ता नहीं किया तो आप भी जो निम्रा ने बताया है तीन बॉयल अंडे जिनकी सिर्फ सफेदी, और उसके साथ आपने आधे घंटे बाद लेना है एप्पल, और उसके आधे घंटे बाद आप लेंगे ग्रीन टी। सो यही वो नाश्ता है जो कि आपने सुबह दोपहर शाम रात यही खाते रहना है जब जब आपका दिल करे। और उसके साथ निम्रा कह रही है कि आपको फर्क पड़ेगा, लेट्स ओपन, लेट्स विश कि आपके ऊपर भी ये फॉर्मूला काम करे। ब्रेक हम लेंगे, और ब्रेक के बाद जैसे मैंने आपको कहा था कि ये सिर्फ एक एस्पेक्ट है इस खातून का, इसके अलावा बहुत सारा कुछ है, लेट्स डिस्कवर दैट टू। निम्रा खान की जिंदगी का मुकम्मल डिलाइट जो है ना इस वक्त वो टेबल पे मौजूद है। ऑल्दो बहुत टाइम हो गया इसको खाए भी अब। अच्छा आप क्या खाती हो फिर, मतलब जब वजन कम कर लिया, जब कर लिया टारगेटेड वेट जब कर लिया, तब जब बहुत खुश हो गई मैं, तो मैं आ गई सालन ऊपर। लेकिन एक वक्त का सालन, मतलब वो कोई भी चीज़ अगर बद परहेजी करनी है मैंने तो वो एक वक्त की करनी, वो दोपहर की ख़ास तौर पर, ना सुबह की इतनी, क्योंकि सुबह भी बंदा बहुत लेज़ी हो रहा था तो इतना एक्टिव नहीं होता। लेकिन दोपहर में मैं वैसे भी अर्ली राइज़र हूँ, तो मुझे मेरा जैसा हमारा काम है, हम लोग जैसे अभी हमारा 9 बजे का कॉल टाइम होता है फरा, तो हम लोग अभी ही लाइक शूट पर ही होते हैं, तो हमारी भाग दौड़ अभी से शुरू हो जाती है। लेकिन आप लोग सब मोस्टली घर पे बैठते होंगे या कुछ इस तरह होते होंगे, तो दोपहर में खाएं जो भी खाना है, जो भी खाना है दोपहर में खाएं, क्योंकि आपके पास एक मार्जिन होता है। अच्छा, चल के फिर उसको बर्न करने का, बिरयानी शिरानी कोई कौरमा शोरमा मैं अब खा लेती हूँ ये, लेकिन हाँ ये मैं अब खा लेती हूँ लेकिन अपने ब्राउन ब्रेड के साथ, लाइक अगर ब्राउन ब्रेड के साथ मुझे थोड़ा सा वो भी 3 या 4 स्लाइसेस बस, उससे ज्यादा नहीं, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि सब टेस्ट ट्राई होता है यार, मतलब जिंदगी मतलब खत्म हो गई थी मेरी तो बिल्कुल ही तो ब्राउन ब्रेड के साथ अब मैं सालन खा लेती हूँ, वो भी 1 साल के बाद जाके। एक साल के बाद ये खाया है सर? नहीं ये तो 8 दिन खाया था, ठीक है। उसके बाद मैं प्रोटीन्स पे आई थी, मैं मतलब ग्रिल्ड चिकन हो गया, टिक्का हो गया, सिर्फ मतलब 8 बजे जो मैं ये खाती थी वही मैं टिक्के पे आ गई थी। यानी एक हफ्ता ये खाया? हाँ। एक हफ्ते के बाद नाश्ता क्या होता था? मेरा नाश्ता जूसेस तो यही रहते थे मेरे, ठीक है। मैं ब्रेकफास्ट पर्सन नहीं हूँ, मतलब मैं नाश्ता इतने शौक से कभी नहीं करती थी, तो ये हो गया ये और फ्रेश जूसेस, उसकी वजह से मेरी स्किन ने मेरा साथ नहीं छोड़ा, मतलब डार्क सर्कल्स या लाइक रिंकल्स कुछ उसने मेरा साथ नहीं छोड़ा सिर्फ इन जूसेस की वजह से। बाकी दोपहर का खाना होता था तो मैं मोस्टली स्किप कर दिया करती थी अगर होता था, क्योंकि मुझे होता था कि मैं 5 से 6 बजे के दरमियान वो खाना खा लिया करती थी जो मेरा दिल कर रहा है खाने का। फिर अगर मुझे बेवक्त बिला वजह भी अगर 9 बजे तक भी भूख लग रही है तो मैं टिक्का का चेस्ट पीस खा लिया करती थी, वो भी ग्रिल्ड के, मतलब उसमें भी प्रोटीन आपको ताकत मिल जाती थी, ठीक है। और ये 1 साल तक ये सारा रूटीन जारी रहा। वाह ग्रेट, क्या बात है। अब अगर खाने को कहा जाए तो खा लेती हूँ आराम से? हाँ, लेकिन ये अंडा कुछ ज्यादा पक गया, जर्दी जो है थोड़ी सी मेल्ट हो गई, लेकिन वो जर्दी बिल्कुल बॉल की तरह अलग हो जाती है, ठीक है। तो जर्दी बिल्कुल भी नहीं लगी होनी चाहिए, ये थोड़ी सी मेल्ट हो गई है, ज्यादा पक गया अंडा, लेकिन वो बॉल जैसे हमारी एग बॉल होती है, योग बॉल होती है, वो अलग करके ही अंडा सफेद खाना, इस तरह नहीं कि खुश भी हो रहे हो और कह रहे हो हमने तो जर्दी अलग कर दी थी, हमने क्या किया, बिल्कुल जर्दी का नाम निशान नहीं होना चाहिए। अच्छा अच्छा निम्रा, जूसेस जो है उसमें एक लौकी, गाजर, खीरा, टमाटर, वैसे तो 6 है, चुकंदर,
और सेब एक फ्रूट है, बाकी 5 वेजिटेबल्स है, लौकी, टमाटर, गाजर, सेब, चुकंदर, खीरा, ये इन सबको डाल के जूस, और रेड कलर का जूस बनेगा रेड, और आपको सिर्फ सिर्फ कैरेट का टेस्ट आएगा, कोई टेस्ट नहीं आएगा सीरियसली। क्या कहते ना कि सुन के भी लौकी है, नहीं लौकी नहीं, गाजर कैसे, टमाटर कैसे, और जो मैं टमाटर बिल्कुल नहीं खा सकती, अगर मैं उसको वैसे रखा हुआ देखूँ तो मैं कभी टमाटर नहीं खा सकती, लेकिन जूस में डेफिनेटली पी थी तो सब चलता था, तो मजे में, क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड। वैसे मैंने फरा से सुना कि वो वेट मशीन मंगवा रही है, इसलिए बता दूं मंगवा रही है कि 52 के करीब होगी अभी, हाँ मैं तो ज्यादा नहीं, लेकिन ये कि मैं 48 केजीज हो गई थी, ठीक है, लाइक उस वक्त बीमार तो नहीं हो गई थी, 48 केजीज हो गई थी, नहीं नहीं बीमार नहीं थी मैं बिल्कुल, मतलब माशाल्लाह एक्टिव और मैं प्रॉपर कमर्शियल्स कर रही थी उस टाइम पे, लेकिन मैं बिल्कुल बीमार नहीं हूँ। अरे वजन कम करने के बाद ये ए प्लस का पहला ड्रामा सीरियल होगा जिसमें आप अपेयर होगी? हाँ जी, ये मेरा वैसे अब तक दुबला होने के बाद मेरा कोई भी ड्रामा ऑन एयर नहीं हुआ। सो ए प्लस से बहुत जल्द ये उड़ान भरने वाली है, क्योंकि जिस ड्रामा सीरियल में इस वक्त काम कर रही है वो उड़ान है, जो बहुत जल्द आपको स्क्रीन पे नजर आएगा इंशाल्लाह, मार्च के अंदर करीब आप लोग को इंशाल्लाह ए प्लस पे दिखेगा ड्रामा। तो उसमें मैंने बड़ा मजेदार करेक्टर किया है पठानों का, तो उसमें हमने बोला भी पठानों की तरह बिल्कुल ऐसे तो और मतलब थोड़ी स्ट्रगल थी इस तरह से कि बड़ा माइनस डिग्री था नरान से ऊपर, और जो पहाड़ी लड़कियां होती हैं उनको सर्दी इतनी नहीं लगती होती, वो पली बड़ी ही वहीं होती हैं, तो वो स्वेटर्स नहीं पहनती होती, वो वैसे जो उनके पठानी ड्रेसेस होते हैं उसी में वो जा रही होती हैं खेत, और वहाँ से वो पता नहीं जो भी चीज़ें अपने वेजिटेबल्स काट के आ रही होती हैं सब कुछ, तो डायलॉग्स भी नहीं निकल रहे होते थे मुँह से ना, मतलब और जिस जगह पर हम थे वहाँ पर ना गैस थी, ना हीटर था, ना लाइट थी, मतलब जनरेटर पे एक टाइम लिमिट पे सिर्फ आपको चार्जिंग करने का फ़ोन, और सोलर सिस्टम से आपको नेटवर्क मिलते थे, तो आपको वहाँ दूर जाके एक कॉर्नर था बर्फ़ का, वहाँ जाके आपको घर बताना पड़ता था कि जी 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 खैरियत से है, खैरियत से नहीं, तो वो पुराने समय PCU आपको कोई 15 मिनट की वॉक करके PCU आता था, तो वहाँ जाके अम्मी जी खैरियत से हूँ, मैं आपको कल बताऊंगी कि मैंने कल का आज का दिन कैसा गुजारा, तो इस तरह वाला टाइम गुजारा इस उड़ान के लिए। तो उसमें मतलब कैरेक्टर जो है वो एक पठानी लड़की का, प्रॉपर पठानी लड़की का, मतलब और डायरेक्टर प्रोड्यूसर जुल्फिकार हैदर हैं, वही प्रोड्यूसर हैं और वही डायरेक्टर हैं माशाल्लाह, उनके साथ मेरा दूसरा प्रोजेक्ट है। पिछले साल जब मैं 65 kg थी तब मैंने उनके साथ मेहरबान ड्रामा किया था, आप लोगों ने शायद देखा हो जी, तो वो सारा बहुत पसंद किया गया था, है ना, मेहरबान में भी इनका कैरेक्टर बहुत अपना, कौन सा प्ले सबसे ज्यादा अच्छा लगा है निम्रा आप तक? मुझे वैसे जो अच्छी फीडबैक मिली है वो मेहरबान से मिली है और अलिफ अल्लाह से मिली है। हाँ छोटी जिंदगी भी अच्छा था, लेकिन हाँ तो लेकिन ये मुझे नूरी बहुत पसंद है, नूरी देखा था किसी ने, मैं उसमें जैसा आप बात करी थी मेरे एक्सीडेंट की, पर मैं उस ड्रामे में मैं रनर थी, अच्छा मैं स्प्रिंटर थी, और वो मेरा ड्रामा मुझे इसलिए दिया गया था क्योंकि आई यूज टू प्ले स्क्वाश, जहांगीर खान के मामू मेरे कोच थे, और इरादा भी महल स्क्वाश प्लेयर बनने का ही था। जी बिल्कुल, एक्टर एक्ट्रेस दूर दूर तक बिल्कुल कहीं से नहीं था, तो मेरी एजुकेशन मैंने अपना बैचलर्स फिल्म मेकिंग में किया था, तब जाके मैं एक्टिंग की तरफ आई, लेकिन उससे पहले मैं सिर्फ स्पोर्ट्स स्क्वाश खेलती थी, दिन रात स्क्वाश खेलती थी मैं, तो उस वजह से मुझे मोहसिन तलहा जो डायरेक्टर है हमारे, उन्होंने मुझे इसलिए लिया क्योंकि उन्होंने कहा कि आपको पहाड़ों पे भगाना है, तो ये एक या तो स्पोर्टी गर्ल ही समझ सकती है, मतलब स्पोर्ट्स में, या तो एक्सरसाइज वाली बंदी, एक्सरसाइज तो मैं बिल्कुल नहीं करती थी, तो रनिंग करती थी, एक्सरसाइज और क्या होगी डेफिनेटली, मतलब एक्सरसाइज मीन्स के वो वैसी एक्सरसाइज नहीं करती थी, लेकिन ये कि मैं मेरे जो कोच होते थे वो मेरे पेट पर रस्सी बांध के अपनी साइकिल के पीछे वो रस्सी बांधते थे और वो साइकिल भगा रहे होते थे, तो मुझे रुकने का मार्जिन ही नहीं मिलता था, वो ग्राउंड पे साइकिल भगा रहे होते थे और मेरी रस्सी पेट को रस्सी से बांध दिया जाता था रस्सी साइकिल से, और वो जब तक चलाते रहते थे तब तक मैं पीछे भागती रहती थी सिर्फ स्टेमिना के लिए, स्क्वाश खेलने के लिए, तो उस वजह से मैं पहाड़ी की तुमने क्या क्या अपने साथ किया हुआ है? मैं बहुत एडवेंचरस रही हूँ हमेशा, ठीक है, और फिर उसके बाद टांग फ्रैक्चर हो गई, फिर एक लड़की जो रनर भी है और ड्रामा भी रनिंग वाला कर रही है, और फिर
एक्सीडेंट, एकदम से डाउनफॉल मेरा बिल्कुल। अब जब आया तो फिर मतलब मोहसिन था, सब ने बहुत सपोर्ट किया, किसी ने मुझे कोई प्रेशर नहीं किया। उन्होंने कहा हम लड़की चेंज कर लेंगे, सबको पता है, सबको दिख रहा है कि निमरा खान का एक्सीडेंट हो गया है, तो अगर हम आगे परस्यू नहीं भी कर पाए या तो हम ड्रामा रोक देंगे या तो हम किसी और लड़की को ले लेंगे तुम्हारे कैरेक्टर पर। लेकिन उन्होंने फिर भी कहा कि नहीं, हमें यही चेहरा चाहिए, तो ये भी हम लोग को करना पड़ता आप लोग को एंटरटेन करने के लिए कि बेड पे लिटा के, मतलब बैठा कर ऊपर चादर डाल दी जाती थी मेरी टांग के, प्लास्टर लगा होता था और इतने इतने शॉर्ट्स पे मैं ड्रामा शूट कर रही होती थी। तो वो भी फिर, और फिर एक सीन था मेरा जिसपे ग्राउंड सारा रेडी था, पब्लिक सारी रेडी थी और मेरा एक्सीडेंट हुआ हो गया था, सब कुछ वो ग्राउंड लेके उन्होंने रखा हुआ था डायरेक्टर ने, और सब कुछ सारे सीन्स रेडी थे, लेकिन सिर्फ मेरे एक्सीडेंट की वजह से वो रनिंग हो नहीं सकी थी। तो उन्होंने सिर्फ ये दिखाया कि मैं घर पे ट्रॉफी, मतलब चादर डली हुई और ट्रॉफी पकड़ के मैं रो रही हूँ कि बाबा मैंने आपका ख्वाब पूरा कर दिया कि, और वो मेरे लिए एक्चुअली टॉर्चरिंग था उस वक्त। निमरा खुद उसमें बड़े डिप्रेशन में चली गई थी, बहुत ज्यादा, मैंने बहुत एंटी डिप्रेशन खाई उस, लेकिन ये बात हम डिस्कस करेंगे, उससे पहले ब्रेक लेनी है। ब्रेक में जाने से पहले निमरा अपनी कहानी इतने मजे से सुना रही है कि मुझे इसे इंटरप्ट करना अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन एक नजर इन तस्वीरों पर भी तो डालते हैं ना भाई, ये जो कह रही है कि मैं ये थी 65 kgs और इसके बाद मैं ये हो गई, तो नहीं दिखाओ मैं क्या तस्वीरें, 47 kg था ये, 48 kg था, 48 kg जब निमरा ने वेट अपना लूज किया, तो शी बिकम अ ब्यूटीफुल बर्ड, है ना, ये खूबसूरत। अच्छा अभी वेट मशीन पे हम वेट भी करते हैं, अब कितना है इनका, और डिप्रेशन जिसकी बात कर रही है, क्योंकि खवातीन में डिप्रेशन बहुत ज्यादा होता है, एंड शी इज बिन थ्रू जिसे कहते हैं वर्स्ट काइंड ऑफ क्लिनिकल डिप्रेशन, तो वो कैसे फेस किया है डिस्कस करते हैं, लेकिन ब्रेक पहले। निमरा खान से जो शेयर कर रही हैं 17 kg वजन कम करने की दास्तान और उसके साथ साथ अपनी जिंदगी की दास्तान, इसलिए कि ये सिर्फ एक बहुत ग्लैमरस, बहुत वर्सेटाइल आर्टिस्ट नहीं है, एक बड़ी मजबूत लड़की भी है। सो लड़की वो वेइंग स्केल सामने तो चल के इस पे जरा देखें तो सही कि कितनी कामयाबी है। 65 kg था पहले, 66 kg पे आपने डिसाइड किया था पूरा 50 kg है। जो मेरा पहले एक वेट था वो 48 था, लेकिन वो मुझे सही नहीं लग रहा था अपने आप पे, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ये नहीं कि आज 50 आ गया तो इसलिए कह रही हूँ कवर अप करने के लिए। 50 मेरा अपना टारगेटेड वेट है, कि 49 मुझे 48 थोड़ा सा ज्यादा कम लग रहा था, ठीक है, क्योंकि मुझे चीज ढलकी ढलकी लग रही थी, लाइक हैंगर ना, तो वो लग रहा था कि सब चीज लटका दी है, ठीक है। तो अब मैंने 50 kg खुद किया है। वेरी गुड, आइए तो अब आप जिंदगी में कोई बटन है क्या, ये मैंने खुद किया है, ये मैं करना चाहती हूँ, मैंने बस ये सोचा ये ऐसे हो गया। जब आपने शो की बिगनिंग की थी तब आपने एक बात बड़ी खूबसूरत बोली थी कि अगर किसी की विल होती है, विल पावर बड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए, अगर वो विल पावर स्ट्रांग है इंसान की, कुछ भी पॉसिबल है। क्योंकि जब मैं हॉस्पिटल से जब घर भेजा गया था मुझे, तो टांग फ्रैक्चर हुई जब हॉस्पिटल से घर भेजा गया, यस, तो ऑलमोस्ट महीने के बाद, तो आने के फौरन बाद ही मैंने कोई 4 से 5 दिन के बाद ही गजल नाइट रखवाई थी, और बेड पर लेटे लेटे ही, क्योंकि मुझसे ज़्यादा, मुझे तो बेहोश ही रखा जाता था मोस्टली, मुझसे ज़्यादा मेरे पेरेंट्स ने सर्वाइव किया था फरा, क्योंकि वो होश पे होते थे, देखते थे, उन्होंने कितनी रातों का खाना नहीं खाया था मेरी वजह से, कि रात को मुझे बेहोश रखा जाता था और दिन में मुझे खाना मिलता था नाक से, तो वो रात का खाना नहीं खाते थे मेरी वजह से। और सच बताओ तो पेरेंट्स ही सिर्फ ये चीज कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता, किसी के पास इतनी हिम्मत ही नहीं है, कि टाइम भी नहीं है कि आपके दुख में सिर्फ ये कह दे कि हमें बड़ा अफसोस हुआ, इससे आपकी जिंदगी नहीं बदल सकती। लेकिन उन्होंने रातों मतलब फाके किए मेरी वजह से, कि हमारी बच्ची के मुंह से निवाला नहीं जाता तो हम कैसे खाना खाएं। तो अरे उसमें डिप्रेशन में जाने की वजह क्या थी, क्यों इतना डाउन डिप्रेस हो गई थी? काम छूट गया, बड़ा पीक टाइम चल रहा था, मतलब पहले ही साल में बैक टू बैक ड्रामास कमर्शियल्स, फिर हम अवार्ड्स में मैं लाइक नॉमिनेटेड भी हो गई बेस्ट फीमेल एक्ट्रेस, तो फिर वो इस तरह लाइक बड़ा अच्छा एक टाइम, बड़ा खूबसूरती से चल रहा था, बहुत स्मूथ चल रहा था, और सिर्फ वो भी एक केयरलेसनेस की वजह से, कि मैं 4 दिन सोई नहीं थी और बैक टू बैक शूट कर रही थी दिन रात,
और अब्बू ने गाड़ी नई नई गिफ्ट की थी मुझे, बड़ा मुझे एक बड़ा खूबसूरत लगा कि मैं खुद चला के गाड़ी जाया करूँ शूट पे, और अपनी पूरी गाड़ी को मैंने वार्डरोब बनाया हुआ था पीछे से, तो बड़ी एक अच्छी एक्साइटमेंट होती थी मुझे कि अपनी गाड़ी लेके जा रही हूँ, और गाड़ी चलाते हुए ही मैं फेंट हो गई और बीपी लो हुआ, नींद आ गई, मैं स्टेयरिंग पे गिरी हूँ, वो एक्सीलेटर दबता रहा, वो 120-140 की स्पीड हो गई खुद ब खुद, और मैं घुस गई आर्मी के लाइक उस पर क्या कहते हैं उनका ट्रक जा रहा था उसमें, मैं पूरा घुस गई थी 120-140 की स्पीड में, और लाइक लिवर में मेरे स्टेयरिंग और यहाँ पर मेरा शीशा, पांच जगह से मेरी टांग अलग हो गई थी, लाइक इट्स ऑल आयरन इन साइड दिस लेग, मतलब पूरा इस टांग के अंदर मेरा आयरन है, तो ये कि उसके साथ इस वजह से मैं एक्सरसाइज नहीं कर सकती थी, कि मुझे पता था कि मैं अपना लोअर बॉडी इतना ज़्यादा नहीं यूज़ कर सकती लाइक फॉर एन एक्सरसाइज, तो मैं डाइट पर ज़्यादा फोकस्ड रही कि डाइट से मैं कितना कर सकती हूँ ठीक। तो वो डिप्रेशन ज़्यादा इसलिए भी था क्योंकि मैं बहुत भाग दौड़ वाली लड़की हूँ, ऐसा आप लोग को दिख रहा होगा, मैं बड़ी एडवेंचरस लड़की हूँ, मुझे ट्रैवलिंग का शौक है, मैं स्पोर्ट्स गर्ल थी, मैं पेंटिंग्स करना ये चीज़ें उस तरह लेकिन एकदम से फिर आप ऐसी मोहताजी पे आ जाए जहाँ आप कुछ भी नहीं कर सकते, अरे दोस्त और लोग जो आसपास थे शायद मुझे लगा कि कोई थोड़ा बहुत अंदरों एफिलिएशन भी थी, कोई कोई किसी से सॉर्ट ऑफ रोमांस भी चल रहा था, हाँ जी मेरा था रिलेशन और वो फिर उसी वक्त खत्म भी हो गया था बिकॉज ऑफ दिस रीजन लेकिन मुझे उसका डिप्रेशन इतना था भी नहीं, मुझे अपनी टांग का ज़्यादा था बिकॉज मोहताजी बहुत बुरी चीज़ है, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ है। कल ही एक बच्चा, मैं सेट पर थी तो उसको पोलियो था, तो वो मैंने उसको नए कपड़े पहनाए मंगवा के, मैंने उसके लिए शूज़ लेकर आई, मैं नी पैड्स लेकर आई क्योंकि वो घुटनों पर चल रहा था, तो मुझे इतना मुझे उस पर प्यार आ रहा था, तो मेरे ही डायरेक्टर ने जुल्फिकार हैदर ने उनको उस बच्चे को व्हीलचेयर ला कर दिया, और मैंने उसको पूरे उसको कपड़े वपड़े पहना के उसके हाथों में ग्लव्स पहनाए ऐसे, जिससे वो ज़मीन पर चले तो उसके हाथ स्क्रैच ना पड़े, उसके ऊपर नी सारे छिले हुए थे, तो मुझे बड़ा लेकिन मुझे उस मोहताजी से बड़ा खौफ आता है कि मैं अपने बिस्तर से भी नहीं हिल सकती थी, मतलब बाथरूम के लिए भी नहीं हिल सकती थी अपने बिस्तर से, जो लड़की इतनी भाग दौड़ करती है, तो वो एक ज़्यादा। और फिर डॉक्टर्स ने ये भी कहा था कि हमें नहीं पता कि ये पूरी लाइफ के लिए लिम्प करेगी, मैं यूँ चलती थी लिम्प करके चलती थी, लाइक पाँव लाइक आड़ा आड़ा करके चलती थी मैं, क्योंकि मेरी टांग बिल्कुल स्ट्रेट रह गई थी, क्योंकि एक साल ऑलमोस्ट लाइक आठ महीने प्लास्टर लगा रहा, तो मेरी टांग बिल्कुल सीधी ऐसी ही पड़ी रही थी, तो बिल्कुल स्टिफ सीधी रह गई थी, उसके बाद जाके मेरी टांग मतलब, तो वो एक लड़की के लिए क्या, तो कैसे उसमें से निकली, वो जो डिप्रेशन था, फिर दोबारा खड़े होना, फिर दोबारा मैं वजन भी कम करना है, मैंने खूबसूरत भी होना है। मैंने अपने आपको 6 महीने में खड़ा किया था किसी भी तरह, मतलब रोज रात को सोचती थी क्या करना है क्या करना है, ऐसा क्या करूं मैं कि बस अब्बू बेचारे मेरे के बेटा मैं किस कलर की व्हील चेयर लेकर आऊँ, बेटा मैं किस कलर की स्टिक लेकर आऊँ, मतलब बेचारे अब्बू मतलब क्या कर सकते हैं, कि उसको मुझे हमेशा से कस्टमाइज चीज़ों का बड़ा शौक रहा है, कि मेरी गाड़ी हो तो छोटी हो, मेरी बहुत टाइनी टाइनी चीज़ों का शौक है, मेरी मेकअप वैनिटी, मेरी इस तरह की चीज़ें मैं बहुत डिफरेंट रखती हूँ, तो अब्बू को पता है मेरी एक साइकी का कि हाँ इसको, तो अब्बू बेटा वो मैं ना पहुँच गया हूँ तो किस कलर की स्टिक लेकर आऊँ, मैं एक चीता प्रिंट भी आ रहा है इस तरह की उस तरह की, मैंने कहा अब्बू ले आए जो आपको लेकर आनी है, तो मैं इस विल पावर स्ट्रांग मैंने रखी, मैंने उसको वीक नहीं होने दिया किसी भी तरह। मोटिवेशन क्या था, मतलब क्या सोचती थी बार कैसे मुझे लगा कि ये भी एक एक्सपीरियंस है, मैंने उसको भी नेगेटिव नहीं लिया, मैंने उस पर भी नमाजें नहीं छोड़ी थी, मैं आंखों से नमाज पढ़ती थी, मतलब आंखों से नमाज मतलब इशारों से नमाज पढ़ती थी, मतलब मैं झुक नहीं सकती थी, तो मतलब वैसे भी पढ़ती हूँ, तहज्जुद गुजार हूँ, मतलब तहज्जुद भी पढ़ती हूँ, अलग मतलब ये बातें बता दी की नहीं होती, लेकिन ये कि आप लोगों को शायद ये सबको लगता होगा कि हम एक्ट्रेसेस अगर हम ये कपड़े पहनते या हम ये काम करते तो शायद हमारे पास ये इस चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, नहीं हम इन चीज़ों को भी बैलेंस दीनदारी दुनियादारी हर चीज़ बैलेंस लेके चलते हैं, तो मुझे खुद मुख्तारी की बहुत आदत है, सेल्फ इंडिपेंडेंसी की ना मुझे बहुत ज़्यादा एक आदत हो गई है कि किसी पर रिलाई करने की आदत नहीं रही है मुझे, तो वो शायद शोहर पे भी कभी रिलाय ना करूँ मैं, मुझे इतनी ज़्यादा आदत हो गई कि मैं शायद अपने शोहर से भी कभी एक्सपेक्ट ना करूँ कि वो मुझे ये चीज़ करके दे या वो मुझे वो चीज़ करके दे। अरे ये सोचती हो कि शादी करनी है, मुझे तो अभी तक
कहीं गुफ्तगू में ये भी नहीं लगा कि कुछ शादी वादी भी करनी है ना? बहुत ही अपना मैं तो हूँ बेसिकली. अब्बू मेरे मोस्टली प्रेशर ये कहाँ से आता है? पेरेंट्स से आता है कि यार अब तो शादी ही करनी पड़ेगी. अम्मी अब्बू फोर्स कर रहे, क्या करे, करना तो पड़ेगा. लेकिन यहाँ ऑपोजिट है, यहाँ पे मेरे अम्मी अब्बू मुझे सपोर्ट करते हैं कि जितना करियर बना सकती हूँ, जितना अपना सोच सकती हूँ, जितना जिस, क्योंकि मुझे ट्रैवलिंग का बहुत शौक है. और जब एक दफ़ा आप ससुराल वाले हो जाते हैं या घर वाले हो जाते हैं तो फिर आप उसको उस तरह नहीं रख सकते. ये नहीं कि ससुराल वाले बुरे हैं तो इसलिए नहीं कर सकते, जिम्मेदारियाँ बहुत पड़ जाती हैं. तो वो अब्बू यही कहते हैं कि जो करना चाहती हूँ ना कर लो अभी बस. तो मुझे है कि नहीं शादी भी कर ही लेते कब तक करूँ? इंशाल्लाह इसी साल, इंशाल्लाह इंशाल्लाह. लड़का देखिए, खुशखबरी इंशाल्लाह मिल जाए, मुझे भी मिल जाए ये वाली. लेकिन ये कि अम्मी अब्बू पे छोड़ा है, कम्प्लीटली अम्मी अब्बू पे छोड़ा है कि ये अम्मी अब्बू ही फैसला करे. तो उन्होंने कुछ देखा है कोई लड़का, उन्होंने बताया कि हाँ बेटे तैयार हो जाए? बताई तो नहीं रहे मुझे, बताई तो नहीं रहे मुझे क्या करना है. बस इसी का वेट करूँ. मुझे तो पता चले, मुझे ये बातें मोस्टली बहनों से पता चलती है. मतलब खुद क्यों नहीं? आप इतना एक्सपोजर है, आपको इंडिपेंडेंस की आदत है, तो आप, मुझे लगता है मिलती हो. फिर मुझे लगता है कि मेरा ना दिल बड़ा छोटा है, तो मेरी अम्मी इस चीज से बड़ा ना चिढ़ती है कि ना ये हर किसी पे ट्रस्ट कर लेती है, मतलब हर किसी पे भरोसा कर लेती है. तो मुझे शायद अपनी हर तरह की चॉइस पे, लिविंग थिंग्स पे भरोसा नहीं है. नॉन लिविंग थिंग्स तो मेरी अपनी पसंद की चीजें होंगी, जैसे कपड़े हो गए, चीजें हो गई इस तरह. लेकिन मुझे लगता है शायद मुझे परखने की समझ. ये कंक्लूजन कैसे आया? एक तो अपने एक्सीडेंट से ही पता चला मुझे, अपने अपने जो एक्चुअली दिखे, असली रूप जिनके दिखे, और जो नए लोग मिले उस टाइम पे जाके. तो मुझे उस टाइम उस चीज़ से पता चला कि इनको तो मैं ऐसा समझती थी, ये लोग तो ऐसे निकले. और फिर जैसे अब हमारे इंडस्ट्री में बहुत आर्टिस्ट हैं माशाल्लाह से, बहुत नए और बहुत अच्छे उभरते हुए सितारे आ रहे हैं. तो उसमें ये कंपटीशन बहुत एक टफ होता है कि एक लड़की 2.5 साल के लिए गायब हो जाए एक इंडस्ट्री से, और फिर उसको कम बैक करना, और फिर वैसे ही सोच के वैसा होगा कि नहीं होगा, वैसा कैसे. तो इस वजह से क्या कहते हैं, दिल टूटना वाला सीन नहीं हुआ यानी निमरा के साथ, वो वाला डिप्रेशन नहीं हुआ? दिल टूटने वाला हुआ था, लेकिन जो उस टाइम पे एक्सीडेंट के टाइम पे, तो वो यही रहा कि अपनी जिस्मानी तकलीफ में इतना ज्यादा मैं डिस्ट्रैक्टेड थी कि मैं उस टाइम उस वक्त का सोच ही नहीं पाई थी कि उस तरफ भी जाऊं कि वो क्या मुझे अपनी, मतलब जहां मुझे तकलीफ होती थी वहां मुझे लाइक सुला दिया जाता था. तो ये वो मुझे इतना टाइम ही नहीं मिल सका कि मैं उस बारे में सोचूं. लेकिन हाँ, लेकिन हमेशा ये सोचा कि ये चीज आ गई है, अब तो आ गई है, लेकिन इससे निकलना कैसे. मैंने उस पर कभी, मैं रोती हूँ, रोना सबको आता है, रोना चाहिए. हाँ, भी ये मैं पूछने वाली थी, इसलिए कि लग नहीं रहा कि रोती है सिवाय ड्रामों के. हाँ, हर डायरेक्टर मुझे रुलाता है ड्रामों के, आपके चेहरे से तर्स बढ़ाता है लोगों को. तो ये कि रोती हूँ, बहुत रोती हूँ, और शायद कभी कभी अकेली रो जाती हूँ, और शायद मोस्टली अम्मी के साथ रोती हूँ अपनी. तो बहनों से भी शायद कम बात करती हूँ, अम्मी से बहुत ज्यादा बातें करती हूँ मैं. अम्मी जी ये, अम्मी जी ऐसा, अम्मी समझाती हैं. लेकिन ये कि हमेशा लड़के निकली उस वक्त से, कभी उसको हावी नहीं किया. और मैं इसको ब्लेसिंग कह सकते हैं या क्या, लेकिन मजाक में अगर कह दूं तो थोड़ा बहुत गजनी टाइप. ये कि एक्सीडेंट के बाद चीजें इरेज आउट हो जाती हैं, मेरी मेमोरी थोड़ी सी थोड़ा तो इरेज आउट हो जाती है मेरी. तो मुझे अच्छा समटाइम्स मेरा ऐसा भी हुआ कि कितनों ने मुझे हर्ट किया है मेरे पास्ट में, और ना वो आके ना सामने मुझसे मिल रहा हूँ, मैं कह रही हूँ अस्सलाम वालेकुम, कैसे आप? कहते तुम हमसे अच्छे से मिल रही हो? हाँ. मैंने कहा कुछ हुआ था क्या? कहते हाँ. मैंने कहा मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं, देखे मैं अच्छे से मिल रही हूँ, देखो अल्लाह मियाँ की देन है, मैं अच्छे से मिल रही हूँ. लेकिन मुझे ना याद दिलाना कि आप लोगों ने मेरे साथ क्या किया था. तो मैं वो, मतलब ये ब्लेसिंग ही हुई, क्योंकि क्या पता शायद लोग, कुछ लोग इतनी तकलीफ देते कि आप अच्छे से मिल तो लेते, लेकिन वो भूल नहीं पाते. बिल्कुल सही. लेकिन ये मुझे अल्लाह की तरफ से, अरे कभी वो स्टेज भी आई है कि डिप्रेशन में मेडिसिन नहीं है, जैसे मैं कह रही थी क्लिनिकल डिप्रेशन. बिल्कुल बिल्कुल, जो आपने मुझे बताया था एक्सीडेंट के दौरान कि डिप्रेशन की मेडिसिन ले रहे हैं, नींद नहीं आ रही है, रो रहे हैं. बिल्कुल बिल्कुल, ये बंदे के दिल का, अपने आप को खत्म कर लूं मैं. ये एक्सीडेंट के ही दौरान जब मैं लिम करती थी ना, तब मुझे बहुत ज्यादा डिप्रेशन होता था. जब मैं स्टिक पे होती थी, जब मतलब मेरी छोटी बहन
बहुत बहुत खूबसूरत है माशा से बख्तावर, मेरी वो जिंदगी है। तो वो जब मेरे अबू मेरी चीखें नहीं सुन सकते थे और मेरी अम्मी मेरे जख्म नहीं देख सकती थी, तो जब स्टिचेस निकल रहे थे तो अम्मी अबू तो बस कमरे से ना बाहर निकल गए थे, आंखों में उनके आंसू थे। तो मेरी छोटी बहन उस वक्त मेरा हाथ पकड़ कहती है, वो मुझे बेबो कहती है, कहती बेबो मैं हूँ ना आपके पास, बेबो मैं हूँ ना आपके। और वो उस टाइम पे बहुत छोटी थी, तो अभी भी बहुत ही छोटी है, लेकिन ये कि मुझे मेरे हाथ को यूँ सुलाते कहती बेबो मैं आपके पास हूँ ना, तो मुझे वो नहीं मंजर भूलता कि मतलब कि मेरे पास वो थी उस टाइम पे। तो जिंदगी में कोई एक मकसद बना ले कि हाँ ये मैंने इसकी वजह से ये करना ही करना है। और वो मकसद आपका क्या था? ये बहन थी बख्तावर थी? ओ, मेरी जान, ये मेरी छोटी बहन है बख्तावर जी, ये पूरी मेरी अम्मी पे गई है, मेरी अम्मी ऐसी है तो हाँ जी। और आप किसकी जैसी हैं? मैं भी अम्मी जैसी हूँ, लेकिन अम्मी की आंखें ग्रीन है, अम्मी कश्मीरी है, तो वो अम्मी की आंखें, अम्मी का रंग वंग वो मोस्टली इसी ने लिया है। अच्छा, तो बहुत एज डिफरेंस है दोनों में। हाँ जी, मतलब आप बड़ी हो और आपके बाद कितने साल? मेरी अम्मी, मेरी बड़ी बहनें भी हैं मुझसे, तो वो बेसिकली मेरी अम्मी की 13 साल की उम्र में शादी हो गई थी, ठीक है, और 20 साल की उम्र में मैं थी अम्मी की। तो हम 5 बहनें और एक भाई हैं, तो इसलिए अम्मी की काफी यंग एज में शादी हुई थी, ठीक है। या तो बहनों में एज डिफरेंसेस है, लेकिन बड़ी बहनों ने मुझे माँ बन के पाला, मैं इसको माँ बन के पालती हूँ, तो ये एक है। वेरी गुड, वेरी गुड, वाह जी, अच्छा निम्रा, इतनी सारी फ्लो में अपनी सारी ये दास्तान सुनाई है, सब अच्छा 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 रहा। मैंने ये कभी जिंदगी में, वो जैसे आम लोगों को होता है कि जो बिल्कुल मतलब उन्हें लगता है खत्म, दी एंड, अब नहीं है कुछ और मजीद, अब जिंदगी को खत्म कर लें या चलो अब कुछ और करते हैं, ये पर बस ऐसा भी कुछ हुआ? हाँ, मतलब अगर फिर से मैं वही बात करूं तो ये बहुत सारी पर्सनल इश्यूज भी होते हैं, बहुत पर्सनल इश्यूज थे मेरी जिंदगी में कि जिसमें मैं ऐसा कि मुझे लगता था कि जिंदगी तबाह और बर्बाद और खत्म, उसमें से वो एक्सीडेंट भी था कि मुझे जब जब बेहोशी से होश आता था मुझे तब फिर बेहोश कर दिया जाता था, क्योंकि मैं उठने के बाद ये यकीन ही नहीं कर पाती थी कि ये क्या हुआ। और मुझे एक मेरे ना दिमाग में एक पता नहीं क्या चीज़ चल रही थी कि मुझे किसी ने पकड़ लिया, मेरे हाथ बांध दिया, मैं अब्बू कह रही हूँ अब्बू मुझे छुड़वाएं, मुझे किसी ने पकड़ लिया, मुझे छुड़वाएं। मैं पता नहीं किसी अनकॉन्शियस थी तो मैं किसी अलग दुनिया में थी, मुझे नहीं पता था कि मेरा एक्सीडेंट हुआ हुआ है। तो मुझे एक्चुअली लगता था कि मेरी जिंदगी खत्म हो गई। यू बिलीव इन के नजर लग गई या किसी ने कुछ कर दिया या यूं हो गया या वो हो गया? हाँ, मैं हूँ थोड़ी सी इस नजर वाली चीज पे भी, मुझे है इस पे स्ट्रॉन्ग बिलीव मेरा कि ये नहीं कि हाय वर्ड खा जाता है, और ये जरूरी नहीं है कि कोई नेगेटिव हाय ही कहे, हाय वाला ये वाला जरूरी नहीं है, वो हाय ऐसे भी हो सकता है कि क्या पता कि मेरे पास अगर वो चीज़ है और इसके पास वो चीज़ नहीं है, तो वो उसी ख्वाहिश में कहते हैं इसके पास है, तो वो है उस ख्वाहिश में भी हाय आपको लग सकती है, और वो नज़र मतलब पत्थर को भी तोड़ सकती है। तो वो मेरा, मुझे वो जो लगता है कि जो मेरा पीक टाइम चल रहा था, मुझे उस टाइम पे एक एक्ट्रेस थी आपा, मुझे उनका नाम नहीं पता, मैं उनको हमेशा आपा ही कहती थी, तो उन्होंने मुझे कहा कि देखो बेटा आपको कॉल्स आती हैं ड्रामों के लिए, तो आप सेट पे ना बात किया करो हमारे सामने, सबके सामने आप कॉर्नर पे जाके बात किया करो साइड पे, तो आपको नहीं पता कि जो बच्चियां लड़कियां साथ बैठी हुई हैं हम लोग सब साथ, वो क्या स्ट्रगल कर रही हैं, उनके पीछे क्या बैकग्राउंड है, उनको क्या सपोर्ट मिल रही है, वो क्या किस तरह डील कर रही हैं अपने काम को या कुछ किसी चीज़ को, तो आप किसी के सामने ना बात करा करो आप। मुझे उन्होंने बड़ा अच्छा समझाया और मैंने कहा हाँ सॉरी आपा, मुझे माफ़ करें, मैंने लिटरली कोई मेरी इंटेंशन भी ऐसी नहीं थी, लेकिन वो बेध्यानी में आप एसी वाले कमरे में बैठे होते तो आप वहीं फ़ोन उठा लेते, तो अब मैं ख्याल रखूँगी, ये उन्होंने मुझे सुबह समझाया था इस बारे में, और रात को मेरा एक्सीडेंट हो गया था। और उन्होंने मुझे बोला कि बेटा नहीं जाओ आज गाड़ी लेके, मेरा दिल घबरा रहा है, आज तुम गाड़ी सेट पे पार्क करो और ना तुम ना डायरेक्टर को बोल दो कि वो तुम्हें ड्रॉप करवा दें, तो आज तुम वैसे इसमें ना घर जाओ गाड़ी पे अपनी। मैंने कहा वो आपा अब्बू बहुत डांटेंगे, गाड़ी सेट पे छोड़कर नहीं जा सकती और गाड़ी अब्बू ने दी हुई है, तो इसलिए मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे गाड़ी तो घर लेकर आई एम फाइन, आप बस आयतल कुर्सी पढ़ के फूकें और मैं ईशा की नमाज़ पढ़ के मैं निकली बस।
और निकली हूँ और मैं गाना गाते हुए गुनगुनाते हुए हल्की ड्राइविंग करते हुए निकली हूँ मैं, और मुझे नहीं पता उसके बाद मेरी जिंदगी में क्या हुआ। ओके, बट शी हैज फेस्ड इट, बीन थ्रू इट, और उसे भी अच्छी तरह से कवर किया है। ये बड़ी बात है, ये एक अचीवमेंट है जिसको कि आज हम सेलिब्रेट कर रहे हैं कि होता बुरा शायद बहुत सारे लोगों के साथ है, जितना निम्रा के साथ हुआ वो हर तरह का है, बीमारी भी है, दिल टूटना भी है, लोगों का धोखा भी है जिसको ये लड़की बाईपास करते हुए गुजर रही है, मगर हुआ है, लेकिन उसे किसी चीज को, लेकिन मैंने अपना वो गिरने नहीं दिया किसी भी वजह से, क्योंकि सब है जिंदगी में, सब कुछ है, लेकिन जब तक आप अपने खुद के सगे नहीं ना, कोई आपका सगा नहीं बनेगा। और मुझे कल ही किसी ने ये मिसाल दी कि इतने मीठे ना बनो कि कोई निगल जाए, तो इतने मीठे बनने की भी जरूरत नहीं है, अच्छा सबके लिए करो लेकिन खुद से भी प्यार करो, खुद से प्यार करो भाई। तो एक ब्रेक लेंगे निम्रा, अब ब्रेक भी आप लो, इतना अच्छा बोल रही हो, सो एक ब्रेक लो। बस यही है कि बस प्यार बांटिए और प्यार कीजिए और पॉजिटिव सोचिए हमेशा, और बस और ज्यादा मेरी चीजें सुनने के लिए अगर इंटरेस्टिंग है तो प्लीज ब्रेक पे जाके वापस आइए। लव यू। राजा मिल रहे हैं निम्रा खान से, हमारी बहुत प्यारी सी टैलेंटेड आर्टिस्ट, जिनके बारे में मैंने आपको बताया कि ए प्लस पे बहुत जल्द इनका नया ड्रामा सीरियल उड़ान भी आने वाला है, जो कि आप एंजॉय करेंगे, डायरेक्टेड बाय जुल्फिकार हैदर। जुल्फिकार हैदर, जिसमें निम्रा खान ने जो 17 केजीज वजन कम किया है उसके साथ एक नए रूप में एक पठानी लड़की के कैरेक्टर में आएंगी। आई होप कि आपको अच्छा लगेगा, और उन्होंने अपनी पूरी भाई सब कुछ निम्रा ने बता दिया, कुछ ऐसा जो पूछना चाह रहे हो मजीद? अच्छा वाह, अभी रहता है दे माइक, क्या सवाल है? ड्रामा जो उड़ान आने वाला है उसमें कोई एक ऐसा सीन जो फेवरेट हो वो एक्ट करके दिखाएं। ये तो कुछ टिकटॉक टाइप सीन करा दिया। अच्छा अब जैसे कल का ही सीन था, तो मैं जैसे उर्दू सीखने लगी हूँ, तो लाइक मैं वॉक कर रही थी और मेरे हाथ में किताब थी, तो लाइक आई वाज सेइंग के क्या बोला था, तुम कैसा है? बिल्कुल ठीक है। नहीं नहीं ऐसे नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम बिल्कुल ठीक है, मतलब इस तरह का ना कुछ लगे तो वजह से अपने आप भी कुछ ला भी। और फिर लाइक अगर कोई बहुत ज्यादा इंटेंस सीन है तो वो लाइक इस तरह, मामा जी हमको माफ कर दो, हमने ऐसा नहीं किया, मामा जी हमें माफ कर दो, इस तरह वाले कुछ सीन आपको दिखेंगे। तो वो इतना ज्यादा इस लहजे में बोला था कि घर जाके भी ना ऐसे ही बोल रहे थे, हेलो तो ऐसे फोन भी ऐसे उठाए थे, मतलब इतना ज्यादा प्रैक्टिस आपको हो जाती है कैरेक्टर में, आप इतना इन्वॉल्व हो जाते हैं। और मुझे तो लगता है वैसे भी बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाती होगी हर एक चीज, है ना, बहुत तारी हो जाती होगी सीरियसली। मतलब अभी परसों मतलब हम लोग को हर चीज के लिए एक बोला, तो मैं अपना स्पीकर अपने साथ, जैसे कोई डायलॉग्स बोलने वाले जो सीन्स नहीं होते, जिसमें आपको डायलॉग्स नहीं बोलने होते, न्यूड सीन्स होते हैं, तो मैं अपना गाना भी सेलेक्ट करके रखती हूँ, स्पीकर लगा के, जैसे कि वो मतलब इंडियन सॉन्ग्स या पाकिस्तानी जो भी, तो वो फिर लगा के मैं आंखों से आंसू टपक रहे हूँ। तो वो गाना कौन सा है जिसमें आंखों से आंसू टपकने वाला गाना कौन सा है? इंडियन है पर कौन सा है वो? जो तू मेरा हमदर्द है। ऐसे नहीं गुनगुना के थोड़ा सा हमें सुनाएंगे निम्रा, वैसे कोई अच्छा सा दूसरा गा के सुना। नहीं नहीं नहीं, जिस गाने पे निम्रा को रोना आता है वो सुनना है थोड़ा सा, फिर उसके बाद अच्छा वाला भी सुनेंगे, क्या ख्याल है? मैंने कभी गाया नहीं है। अच्छा मैं दूसरा अच्छा सुनाती हूँ। अच्छा पहले मुझे ये बता दो निम्रा, इस गाने पे रोना क्यों आता है? मतलब व्हाट सो स्पेशल इन दिस सॉन्ग कि इस गाने को सुन के निम्रा रोती है? मैं वही चीज कहूंगी जो तू मेरा हमदर्द है सुहाना हर दर्द है। मतलब जब आप तकलीफ में हो तो खुद तो लड़ लेते हो अपने आप से अकेले अकेले के, नहीं नहीं हम कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जाके आपको कहीं ना किसी की जरूरत पड़ जाती है, कि भले वो लड़की हो या लड़का हो, वो आपका शौहर हो, आपकी बहन हो, माँ बाप हो, लेकिन आप किसी एक से एक्सपेक्ट कर रहे होते कि उस टाइम पे वो आपको कंसोल करे। किसको सोची होती आप जब आप मतलब? अब तो कोई विजन में नहीं आता,
बस खुद ही के आंसू आ रहे होते कि ना तकलीफें इतनी देखी, इतनी चीज़ों से गुजरी लड़के, लेकिन फिर एट दी एंड सेटिस्फेक्शन ये होती है कि किसी को कमज़ोरी नहीं दी अपनी मैंने, कि कोई मुझे ये कह सके ओ बेचारी, मतलब जो वक्त बेचारों वाला था वो गुजर गया, निकल गया, अब खड़ी हूँ लाइक यू नो। और बिल्कुल सही, मैं रिक्वेस्ट समथिंग, यू आर अ वंडरफुल आर्टिस्ट, एक मिनट के लिए इधर आके बैठिए। जस्ट इमेजिन कि आप किसी ड्रामे के सीन में हो, हाँ, और आपको रोना है, हाँ, हम गाना चला देते हैं। हम गाना चला देते हैं। You wanna see me crying? आप लोग रोते हुए देखना है मुझे। हमने आपको इतना रोते हुए देखा है, इतना रोते हुए देखा है ड्रामे में कि आज हंसते हुए देखना बहुत अच्छा लग रहा है। मगर ये जो आप कह रही हो ना कि इस गाने को आप सुनती हो एंड यू कैन जस्ट क्राई, तो आई जस्ट वॉन्ट टू योर ऑडियंस एंड योर फैंस टू सी कि ये क्या फीलिंग होती है, ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन होती है, हंसती मुस्कुराती खेलती खिलखिलाती निमरा में, कि जस्ट वन सॉन्ग कैन मेक हर सैड। ओके, सो गाना प्ले करना प्लीज। शायद वो आप कर लो, वो भी सूट ना करे तो मैं फिर वो ब्लेम अपने आप को करूंगी। तो आई डोंट वांट यू के आप लोग मुझ पे रिलाय करें इस चीज़ पे, लेकिन हाँ जो मैंने किया, जो मुझ पे एक अप्लाई हुई भी चीज़ है, एग्जांपल है, वो मैंने आप लोग किया। एनी अदर क्वेश्चन, कोई और सवाल? जी निमरा, देखो कितने लोग क्या कुछ पूछना चाह रहे हैं भाई। आपने अपनी लाइफ की इतनी अच्छी जर्नी हमारे साथ शेयर की, एक्सीडेंट, तो आप हमसे अपने बचपन की याद भी शेयर करें, कोई ब्यूटीफुल मोमेंट्स। बचपन मेरा बड़ा कोई मजेदार था, टॉमबॉय थी। बड़ा अच्छा आपने पढ़ा। बेटा था नहीं घर पे, अम्मी को हमेशा से बेटे का शौक था, बख्तावर जो हमारी बहन का नाम है, अम्मी को हमेशा से शौक था कि मैं अपने बेटे का नाम बख्तावर रखूं। तो बेटा था नहीं, हम चार बहनें थी, तो एक दिन ले गए मुझे नाई के पास। छोटी थी और ना मेरे बाल ना प्रॉपर कर्ल्स होते थे, तो ना इतने हुए, उन्होंने अम्मी ने ना उनके कान में पहले ही बोल दिया था अंकल को कि ना हल्के हल्के करना शुरू कीजिएगा, एकदम मत पूरे काट दीजिएगा। मैंने कहा अम्मी ये कौन सी कटिंग करवा रही है, बहुत छोटे होते जा रहे बाल ना मेरे, इतने लंबे बाल। उन्होंने पहले इतने काटे, मुझे बड़ा क्यूट लगा ना, बॉब कट टाइप कट रहा है मेरा, बॉब कट से ना मशीन निकली है एकदम से ना पीछे से वो मारने वाली ना। मैंने कहा अम्मी ये क्या करने लगे। और क्या एज थी उस वक्त? उस वक्त मेरी 8 साल। अच्छा, 8 साल होगी। तो ना एकदम से मशीन आ गया और पीछे से, और जो मैं रोई, मैंने कमरे में बंद कर दिया अपने आप को, मैं दोस्तों के सामने नहीं जा रही, मेरी इतनी सारी फीमेल फ्रेंड, मैं किसी के सामने नहीं जा रही। और ना मैं बड़ी हिम्मत करके शलवार कमीज फ्रॉक पहन के पॉकेट बाल में निकली हूँ, और ना उस वक्त तो सभी मजाक उड़ा रहे थे मेरा, और मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन ग्रेजुअली मेरा सब लोगों ने नाम रख लिया था अली। हाँ। और मैं अली भाई थी मोहल्ले की। अच्छा। मेरी कोई फीमेल फ्रेंड को कोई लड़का छेड़ दे या किसी को कोई तंग कर दे तो अली भाई ऑलवेज रेडी मारने कूटने के लिए। अच्छा। अपर वपर मारने के लिए हमेशा से। वो अली भाई आजकल कहाँ होते हैं? अली भाई भी रहते हैं, मैं मोस्टली फ्लैट्स नहीं पहनती, मैं हील्स पहनती हूँ क्योंकि मेरी वॉक फिर अली भाई जैसी हो जाती है। क्योंकि फिर ये वो कर्ली बाल कहाँ गए निमरा? अब तो ये कटिंग करवा के फिर हेयर डाई केमिकल्स यूज करके वो सब कर्ल्स खत्म। और वैसे भी अभी तो मैंने ब्लो ड्राइंग करवाई हुई है, लेकिन हल्का हल्का वेव तो अभी भी है, लेकिन मेरे प्रॉपर नूडल्स वाले कर्ल्स थे मेरी बख्तावर की तरह। लेकिन ये के ओके, और अब हमने निमरा की एक गाना सुनना है जो कि निमरा सुनाने लगी थी और हमने रोका था, लेकिन इससे पहले मैं एक ब्रेक लूंगी। और ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हम निमरा का खूबसूरत सा गाना भी सुनेंगे और कुछ और बड़ी इंटरेस्टिंग बातें। आमदीद, हम आज मिल रहे हैं निमरा खान से। निमरा हमें बहुत जबरदस्त सा एक गाना सुनाएंगे, क्योंकि कुछ 4-5 गाने तो बहुत अच्छे प्रैक्टिस किए मुझे लग रहा है। निमरा प्रोफेशनल जैसे सिंगर भी होती है ना, हमें लग रहा है जैसे गाने वाने भी गाने ही लगे, इतना जल्दी एल्बम भी आने लगा है। पीओ जी की मैंने अपने अब्बू की मैंने ख्वाहिश पूरी करनी है इंशाल्लाह। अब्बू का जिक्र ऐसे बहुत ज्यादा हो रहा है ना, अम्मा का जिक्र थोड़ा कम हो रहा है। अम्मी अम्मी तो किया मैंने नहीं, जैसे कि मेरी अम्मी दोस्त है, मेरी अम्मी ये, बस इतना सही जिक्र अम्मा का हुआ, अब्बा का नहीं हुआ। लेकिन अभी निमरा हम बातचीत करेंगे अपने मेहमान से, क्योंकि अब्बा अम्मा का जिक्र हो रहा है तो ये माँ बाप का औलाद का रिश्ता है बहुत खूबसूरत, और किसी भी शादीशुदा जोड़े के लिए सबसे ज्यादा जो मसला होता है या प्रॉब्लम होता है वो ये होता है कि अगर औलाद ना हो, बे औलादी जो है वो एक बड़ी परेशान कुन सूरत हाल होती है। लेकिन ये अब इतना कोई लाइलाज मसला रह नहीं गया हुआ,
क्योंकि बहुत सारे दुनिया में ऐसे ट्रीटमेंट्स हैं जिसमें IVF है, जिसमें और बहुत सारी ऐसी सर्जिकल इंटरवेंशन हैं जिसके साथ आप इस मसले का हल कर सकते हैं। एंड वी आर लकी कि हमारे पास पूरी दुनिया से जो क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पाकिस्तान में मौजूद है। वन ऑफ देम इज विद मी एंड आई वेलकम यू डॉक्टर रिजवान। थैंक यू सो मच। आप अपना अमेरिकन फर्टिलिटी सेंटर रन करते हैं जो कि रावलपिंडी में है। हाँ जी। और जो मैंने पढ़ा है वो तो मैं बड़ी इम्प्रेस हो गई कि आप रोबोटिक फर्टिलिटी सर्जरीज भी करते रहे USA में। हाँ जी, वी स्टिल डू इट। वहाँ पे वी हैव बीन ऑपरेशनल सर्जिकल वर्क और IVF सेंटर्स तो हमारी यूनिक है एक्सपर्टीज कि जहाँ पे हमारे USA में सेंटर्स हैं वहाँ पे हम करते हैं। और यहाँ पे पाकिस्तान में आके से प्रिविलेज टू बी हियर, यहाँ पे आके यू ओपन अ सेंटर बहुत 4 साल से आ जा रहा हूँ। वी हैव बीन कमिंग हियर टू पाकिस्तान फॉर 4 इयर्स। अच्छा, तो एक साल से वी हैव बीन ऑपरेशनल एंड डूइंग IVF विद लॉट ऑफ सक्सेस। सक्सेस रेट रहा है? सक्सेस अच्छा रहा है, वेरी गुड माशाल्लाह। वी हैड लॉट ऑफ प्रेगनेंसीज इज स्पर्मिक पेशेंट्स हु केम टू अस विद नो स्पर्म काउंट्स, उनकी बायोप्सीज करके वी हैड सक्सेस एंड बेबीज। बाकी है कि we have reached a success of close to 70% in peers, younger patients. Very good. So, but we are very proud and very happy ke jo log doctor sahab ke paas aaye bayo aulad jode unme se 70% wo the jinki phir aulad hui. Ji, jo younger patients are really isme jo hai success rates depend upon age us pe. To ye hai ki jo hamare paas under 30 patients aaye, so I think that's part of the reason we are here today to raise aap keh rahe ki ek awareness, क्योंकि मैंने बहुत देखा ही कि लोग ठहरते हैं, वो कहते हैं कि इंतजार करते रहे और उसमें दे कैपेरिंग एंड 10 साल 12 साल मुख्तलिफ सेंटर्स में मुख्तलिफ नॉन स्पेशलाइज सेंटर्स। IVF के दे स्पेशलाइज सेंटर्स जहाँ पे 10 साल वी डू। तो उसमें पहले बता दीजिएगा कि ये बे औलादी आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि हम ये अवेयरनेस रेज करने आए हैं कि इंतजार नहीं करते रहे। बे औलादी किस टाइम फ्रेम को कहेंगे, क्या कितना टाइम गुजर जाए तो आप कहेंगे कि ये अब इनफर्टिलिटी है, ये अब बांझपन है, ये अब बेऔलादी है? Right. वो क्या है? वो ये कि जब भी एक शादी होती है कपल की, इफ दे आर लिविंग टुगेदर, उसमें अबाउट इन 12 महीने में वी एक्सपेक्ट के 85% ऑफ दोस कपल्स विल बी प्रेग्नेंट। तो जो 15% रह जाते हैं जो नहीं प्रेगनेंस अचीव करते, दोस वी फील आर नीड सम हेल्प एवैल्यूएशन, उसको बांझपन पे बाय डेफिनेशन कहा जाता है। ठीक है। और 35 साल की उम्र के बाद 6 महीने का है कि उसमें फिर हो जाता है कि खवातीन के 40 साल के बाद जो है बच्चा होना इट बिकम्स मच मोर डिफिकल्ट। ठीक है। तो एक्चुअली वेरी नाइस एग्जांपल ऑफ समबडी केम टू माय क्लिनिक, आई खातून, शी वाज 47, तो उन्होंने कहा कि शी इज नॉट मैरिड, शी कुड नेवर फाइंड दैट राइट पर्सन इन हर लाइफ, सो शी वांट्स टू सेव हर एग्स एग प्रेजर्वेशन के लिए। तो दैट्स व्हाट, लेकिन उनकी उस वक्त तक एग्स जो है वो शी वाज नॉट एबल टू डू इट बिकॉज़ एग्स बाय देन आर नॉट एबल टू प्रिजर्व। ठीक है, ठीक है। लेकिन तो बट नाउ शी वांट्स, शी बिकेम एन एडवोकेट, यू नो, शी वाज सो टच्ड बाय दैट, शी सेड हे नोबडी एवर टोल्ड मी दिस वुड हैपन टू मी, कि आई कुड हैव सेव्ड माय एग्स व्हेन आई वाज 25 इयर्स ओल्ड, बिकॉज़ उसमें भी आई कुड हैव दोस किड्स नाउ। बिल्कुल सही। लेकिन ये तो थोड़ा सा हमारे यहाँ पर हमारे मौसम में ऐसी फौती बहुत कम होंगी। नहीं, एक्चुअली द होल वर्ल्ड इज चेंजिंग। बिल्कुल। क्योंकि पहले एग प्रिजर्वेशन के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, सो नाउ वी हैव द टेक्नोलॉजी टू सेव दोस एग्स। तो ये है कि वी टेक दोस एग्स, पुट देम इन फ्रीजर, आप कह रहे हो इन क्रायोप्रेजर्व मोड, तो उसमें यह है कि आपके 25 साल के एग्स हम सेव कर देते हैं और वी कैन देन यूज देम एट एज 34, 35, 37। सो पीपल आर गोइंग एजुकेशन, पीपल आर गोइंग टू PhD, मास्टर्स, अभी खवातीन माशाल्लाह पाकिस्तान में जस्ट लाइक वेस्टर्न कंट्रीज दे गोइंग आउट एंड हैविंग करियर्स, हैविंग एजुकेशन, परसुइंग देयर करियर्स, राइट? सो and so the less to like to say hey, I'm going to start a family at age 20, 22, 25, which was traditionally the case pehle. aur ye aapka kya suggestion hai, kyunki ladkiyan jo hain wo aajkal badi late marriages bhi karti hain, dekh ke jo kaha aapne mere liye rishta dekha, very professional boys, so more and more professional girls, and it is good, we want our girls to come out, so they have apni बेटी का मेकिंग अ लीडर एक्चुअली, सो आई वांट टू कम बैक एंड बिकम वन ऑफ द लीडर्स, सो आई एम एनकरेजिंग ऑल द गर्ल्स जो है इनके, आई वांट यहां पे बैठी हमारी बेटियां बच्चियां, और आई वांट देम टू बिकम लीडर्स एंड गो आउट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड। अच्छा, साथ ही में बता दीजिए
कि आपने बताया कि अगर एक कपल अपनी हंसी खुशी साथ रह रहे हैं और एक साल तक उनकी औलाद नहीं होती तो उन्हें क्या करना चाहिए फिर, हाउ टू रिएक्ट या रिस्पॉन्ड, क्या करें फिर? जी, उनका आई थिंक द बेस्ट थिंग, द फर्स्ट थिंग इज नॉट टू ब्लेम एनीबॉडी, कि दैट्स वेयर आई स्टार्ट सीइंग के फ्रिक्शंस एंड थिंग्स लाइक दैट, कि उसमें कि जी वो दिस यू स्टार्ट फीलिंग हे इट्स हिज फॉल्ट एंड हर फॉल्ट, तो उसमें ये आ जाते हैं कि रियली जस्ट आई थिंक द बेस्ट थिंग इज टू सीक प्रोफेशनल ओपिनियन, कहाँ जाना चाहिए, फर्टिलिटी स्पेशलाइज्ड फर्टिलिटी सेंटर जहाँ पे होता ही है कि बिकॉज वो लोग जाते हैं मुख्तलिफ यू नो टू रेगुलर ट्रेडिशनल क्लिनिक्स जहाँ पे टेस्टिंग के वो जो वैल्यूबल रिजल्ट्स नहीं आते, व्हेन दे आइदर गेट वरीड और दे आर रीअश्योर्ड, उनको क्या दिया जाता है कि आप 3-4 साल ट्राई करके दोबारा आ जाइए, विच इज़ नॉट गुड एडवाइस. ठीक है, सो दैट्स व्हाट वी आर सीइंग इन आवर क्लिनिक एट लीस्ट, कि काफ़ी आते हैं जो पीपल हैव वेस्टेड 8 or 10 years और फिर उसके बाद नाउ दे यू नो काफी इमोशनली जस्ट एग्जॉस्टेड एज वेल. So I think that's the trick. बीवी को ब्लेम ना करें, नंबर एक. अच्छा जी, हाँ, कि तुम्हारी वजह से नहीं हो रही तो मैं दूसरी शादी कर लूं. राइट, दूसरी शादी के चक्कर में ना पड़े, जल्दी से जल्दी किसी मुस्तरद डॉक्टर के पास जाएं, और मुस्तरद डॉक्टर का मतलब है जो IVF और इस तरह के ट्रीटमेंट्स. राइट, फर्टिलिटी ट्रीटमेंट कैन बी एज सिंपल एज टेकिंग सम मेडिकेशंस. ठीक है, सो इट कुड बी आप आए आप आके हम जब हम देखते हैं फर्टिलिटी के इश्यूज, सो 40% ऑफ द टाइम इज मेन, इट्स अ मेल फैक्टर, उसके स्पर्म काउंट इज लो और स्पर्म काउंट इज अफेक्टेड, और जो है बाकी देन 60% इज अ फीमेल फैक्टर, उसमें एग प्रोडक्शन, ट्यूबल फैक्टर, एंडोमेट्रियोसिस बहुत कॉमन है पाकिस्तान में उसमें, और PCOS का काफ़ी इट्स वेरी कॉमन, तो उसमें आके सो दोज आर द प्लेसेस वेयर वी फील कि देर इज ना. भाई अभी आपसे पहले हम बात कर रहे थे कि पाकिस्तान की फर्टिलिटी मार्केट जो है इसमें जो एक्सेस है दैट इज़ सो लिमिटेड कि एज़ कम्पेयर टू अदर इवन नॉन डेवलप्ड कंट्रीज़ वी आर एट अबाउट 5% ऑफ हम सर्व कर रहे हैं मार्केट को. ठीक है, बहुत सारे लोग नहीं आ सकते, पहचानने भी नहीं है उनको, people just not get seeking care or getting the care. वो मतलब मैं break पे जाने लगी हूँ, लेकिन उससे पहले एक सवाल छोड़ते हुए, वो कौन सा इलाज का तरीका कार है, कौन से बुनियादी टेस्ट है जो होने चाहिए उस कपल के जो और उसके साथ साथ अमेरिका में प्रैक्टिस करते हैं, और डॉक्टर साहब जो है एडवांस फर्टिलिटी सेंटर टेक्सास USA के मेडिकल डायरेक्टर भी हैं. सो ये जब पाकिस्तान आते हैं तो बहुत सारे लोग जो कि बांझपन के मर्ज में मुब्तला होते हैं वो इनसे इस्तेफादा करते हैं. मैं पूछ रही थी डॉक्टर साहब वो टेस्ट क्या है बुनियादी जो कि होने चाहिए. हाँ जी, बुनियादी टेस्ट ये होता है कि जब कपल व्हेन दे फील के दे केयर, उसमें हम पहले सबसे जो मेल उनके हस्बैंड है उनके शुरू करते हैं, वी वांट टू मेक श्योर स्पर्म क्वालिटी का टेस्टिंग वहाँ करते हैं. उसके बाद एट द सेम टाइम हम जो है वाइफ का करते हैं कि उनका अल्ट्रासाउंड, उनकी उनकी जो ट्यूब्स हैं उनका चेक करना, और हार्मोन प्रोफाइल उनका पूरा हार्मोन जो होते हैं जो उनका करते हैं टेस्टिंग. सो रियली सब फुल एग्जाम एंड थरो एवेल्युएशन की क्या कई दफ़ा अंडरलाइन मेडिकल प्रॉब्लम्स जो नहीं उस वक्त तक महसूस होती हैं डायग्नोज होती इस प्रॉब्लम सॉल्विंग दोज, और सर्जिकल इंटरवेंशन क्वाइट बेट होती है कि कई दफ़ा पैदाइशी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो खवातीन में किया एक्चुअली यस्टरडे कल हम कह रहे थे एक वन ऑफ हॉस्पिटल्स कि जिसमें जो है एक यूट्रस है जो जब बनता है तो उसमें पैदाइशी वक़्त में उसमें एक पर्दा आ जाता है, तो उस पर्दे की वजह से हमल ठहरता नहीं है. ठीक है, तो उसमें इंशाल्लाह वी रिपेयर्ड इट कल one of those yesterday in Pakistan. Theek hai. And those are very you know unique surgeries that jo pehle nahi hui idhar. Theek. Unko we have brought all the surgical skills, all the surgical technologies to Pakistan. Doctor, ek cheez badi common sunne ko milti hai wo ye ki dono theek hai, sab test theek hai, lekin bas Allah ki marzi hai, aulaad nahi ho rahi. हाँ जी, मतलब जिन लोगों का ये प्रॉब्लम चल रहा हो हाँ उसका भी कोई आप हल निकालते हैं? हाँ जी, नहीं वो दैट्स वेरी क्वाइट कॉमन एक्चुअली, अबाउट 10-15% ऑफ दी जो कपल्स हैं जो आएंगे एग्जैक्टली जो आप कह रही हूँ अनएक्सप्लेनेड इनफर्टिलिटी कहलाती है. तो उसमें फिर ये है कि वो जैसे हम बताया कि उसका ट्रीटमेंट जो है वो IVF ही नहीं है जो इनफर्टिलिटी है, उसके इट बी वेरी सिंपल एज टेकिंग सम मेडिकेशंस और उधर से लेके तो दैट में ऑल समबडी में नीड. ठीक है, तो उसके बाद फिर इंट्रायूटराइन इंसेमिनेशन कहलाती है जो is a second step or IVF may be the last resort. बिल्कुल सही. So a lot of couples actually most of the couples will just simply need some minor thyroid की आप कहने एक उनको प्रॉब्लम है तो उसको आपने फिक्स कर दिया,
उनकी थायराइड की कमी से भी इसका मतलब है बांझपन का मसला हो सकता है। जो हार्मोन्स है, सो द होल बॉडी इज काइंड ऑफ इंटर फंक्शंस इंटररिलेटेड, तो उसमें ये है कि वहाँ पे सो एज अ फिजिशियंस एज फिजिशियन टीम वी गो इन एंड रियली ट्राई टू फिक्स जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनके और देखेंगे भाई कहाँ पे है। ठीक है, इट मे बी सिंपल एज फीलिंग समथिंग थायराइड की प्रॉब्लम्स आपने फेस कर दिया या इनिशियल मेडिकेशन से कुछ ठीक हो जाएंगे कपल्स, ठीक है, लेकिन वहाँ से आगे जाके जो कपल्स नहीं होते फिर अगली स्टेजेस पे जाके दे मे नीड IVF। ओके, IVF क्या है? IVF एंड टेस्ट ट्यूब बेबी क्या एक ही चीज के दो नाम है? हाँ जी, इट इज सिमिलर। टेस्ट ट्यूब बेबी इज मोर जो आप कह लें कि एक कमर्शलाइज नेम है, कमर्शलाइज जब इनिशियली हुए थे शुरू दिस पे पीपल स्टार्टिंग टॉकिंग अबाउट दैट। तो ये कि IVF का ये होता है कि हम इंजेक्शन लगाते हैं जो वाइफ को और उससे हम एग्स निकाल के पहले उनको डेवलप करते हैं। जब अबाउट 10 दिन के पीरियड के बाद जो एग्स प्रॉपर साइज के हो जाते हैं उनको फिर हम ले के अपनी लैब में निकाल लेते हैं, ठीक है, और अपनी हस्बैंड के स्पर्म्स के साथ उनको मिक्स करके we can create a embryo in the lab. इससे जो बच्चा पैदा होता है वो उतना ही हेल्दी होता है जितना कोई एक नॉर्मल बेबी, और उतना ही स्ट्रांग होगा और उसको कोई प्रॉब्लम्स वगैरह तो नहीं? हाँ जी नहीं, एक्चुअली द ऑपोजिट, क्योंकि उसमें ये होता है कि इट्स द सेम थिंग दैट्स हैपनिंग इन नेचर, उसी को हम असिस्ट कर रहे हैं। सो सेम थिंग इज हैपनिंग ह्यूमन बॉडी कि वहाँ एक आया उसको पिकअप हुआ और स्पर्म्स ने जाकर उसको एम्ब्रियो बनाया। So we're doing exactly same thing but in a lab. So bachcha wo actually healthy hai, the opposite of it, kyunki abhi science itni advanced ho chuki hai ki hamare paas capabilities hai ki embryos ko hum check kar sake biopsy karke. Acha, to jab embryo ban jata hai uske taqriban there are 100 cells in it. To unme se hum about 4 to 5 cells leke तो उसको हम अपनी लैब में चेक करते हैं कि उसके जेनेटिक डिजीज है कि नहीं। अच्छा, तो हमारे पास एक्चुअली कई कपल्स आए हैं जिनके हैं मुख्तलिफ थैलेसीमियास हैं, पाकिस्तान में थैलेसीमियास कॉमन है, और उसके बाद एक आए हैं कपल जिनका हार्लिकन सिंड्रोम है, वेरी रेयर डिजीज जिसमें बच्चा जो है वो उसकी स्किन टूट के वो बच्चा मर जाता है। अच्छा, उसका वी डिड द टेस्टिंग फ्रॉम यूनाइटेड स्टेट्स, ठीक है, वहाँ पे हमने लैब टेस्टिंग की, उनके आइडेंटिफाई की जीन जो उसकी था कॉज इट, ठीक है, सो उनका फिर अब ट्रीटमेंट कर रहे हैं कि उनके एम्ब्रियोज को चेक करके जो डिजीज फ्री एम्ब्रियोज हैं वो उनके आगे कर सकें। बिल्कुल सही। तो इसका मतलब ये है कि जो आपने कहा ना कि उसका जेनेरिक डिजीज एक्चुअली आप सबके वी कैन एलिमिनेट अ लॉट ऑफ जेनेरिक डिजीजेज। अभी जो है ओल्डर देन 35 जो खवातीन है उनका जो है रिस्क ऑफ हैविंग अ बेबी ऑफ डाउन सिंड्रोम थोड़ा बढ़ जाता है। अच्छा, तो वो कपल्स आ रहे हैं हमारे पास कि उसको वो कहते हैं कि 37-38 के आई डोंट वांट टू हैव बेबी विद डाउन सिंड्रोम, जो कहलाता मंगलिज्म कहलाती है। जी जी जी, उसको हम एक्चुअली वी कैन चेक इट इन द पीटी डिश। मैंने देखा बहुत सारे लोग जो IVF या टेस्ट ट्यूब बेबी करते हैं वो बेटा होता है उनका, इज दिस बाय वर्चू ऑफ आई मीन कोई चांस या ये इसमें जेंडर सिलेक्शन भी? अच्छा जी नहीं, इट्स कॉल्ड फैमिली बैलेंसिंग, so really it's a kind of good mixture. Kai dafa hota hai ki because of male factor ke usme some couples have more normal female embryos or male embryos, lekin usme ye hota hai ki family balancing hoti hai, kai couples hote hain unke char bete hain, they want a baby girl, bahut aate hain hamare paas ki hamare bete bahut zyada bhog gaye, hamein pyari si beti chahiye jo acche gaane ga sake hamare liye, right? So that's that's what with a pretty voice, and then the opposite as well. Some couples come in and say, "Listen, we got four girls and one boy." So it's like this is called family balancing, jahan pe we are able to again with the same process, jahan pe genetic diseases ko hum kar rahe hain check. We are able to identify which embryos are which kind of gender, and then able to help those couples balance their families. ठीक है, यानी gender selection भी कर सकते हैं वो चाहे तो. Right, generally we don't like that, we don't say it, but it's really a matter of just my gender selection. It's really a family balancing. Okay. So upfront, and I think more couples now, especially younger couples, are going for the idea of smaller families. जो है वो traditional large families का लाहौर में क्या है अभी? लाहौर में अभी तक बड़ी बड़ी फैमिलीज हैं या क्या? मिक्स चल रहा है डॉक्टर साहब, ये तो हमेशा इट्स ऑलवेज वन चॉइस कि वो उसको कैसे। सो व्हाट्स अ टिपिकल फैमिली नाउअडेज? आपकी एज जो है, आपका जो है कॉलेज, स्मॉल फैमिली, दो बच्चे कम, यही चल रहा है। और कराची में क्या, व्हाट टिपिकल जो अभी इस जनरेशन आपकी है? दो बच्चे, पांच बच्चे। मैंने लाइक मेरे जितने भी अब्बू के फ्रेंड्स मैंने देखा सर्कल,
उन सबके दो दो बेटे या एक बेटा एक बेटी, बस यही सब कुछ हो रहा है। और वैसे भी ये जो एक कॉन्सेप्ट है ना हमारा पॉपुलेशन का, मतलब हमें कंट्रोल करना इसलिए जरूरी, क्यों हंस रही हो? इसलिए हमें कंट्रोल करना जरूरी है हमारे रिसोर्सेज यार, इतनी गंदम पैदा हो, इतने लोगों को पालना जो है पालने वाला अल्लाह की जात है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ह्यूमन उसमें फैक्टर। सर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक गोइंग यंग जो अभी जनरेशन वो थी ना पहले की, पांच लार्ज फैमिलीज, आई थिंक स्टिल इट इज ग्रेट टू हैव दैट, लेकिन अ लॉट ऑफ कपल्स आर गोइंग टुवर्ड्स दैट बैलेंस्ड फैमिली, सो लेट्स से आई वांट अ बॉय एंड अ गर्ल, तो अभी चाइनीज में बहुत ज्यादा आ गई है, चाइनीज पीपल आर रियली गोइंग टुवर्ड्स दैट बैलेंस्ड फैमिलीज। उनको तो गवर्नमेंट ने पाबंद किया था पहले, एक बच्चा अब दो कह सकते हैं है ना, सो चाइनीज में ये हो गए, दे स्टॉप द वन चाइल्ड पॉलिसी, तो अब ये कि दे आर गोइंग फॉर द बैलेंस फैमिली, व्हिच इज अ गुड आईडिया। हां जी, अरे डॉक्टर साहब मैं जानना चाहूंगी कि प्रिवेंट भी किया जा सकता है क्या इनफर्टिलिटी को? क्या आजकल बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि बहुत चिकन खाने से, हॉर्मोन्स की वजह से खवातीन में पीसीओएस बहुत हो रहे हैं, डू यू थिंक रिसर्चेज ने उससे साबित किया है कि प्रिवेंटेबल भी है ये जेनेटिक मतलब खानदानों में भी चलती है ये, क्या ये भी कुछ फैक्टर्स हैं इसमें? हाँ जी, नहीं नॉट आई मीन टू सम एक्सटेंट, आई थिंक प्रिवेंशन जो है वो अगेन वही हमारे पे बात हो रही थी कि जो फॉरेन कंट्रीज हम देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स में अ बिग पार्ट ऑफ अ प्रैक्टिस इज़ फ्रॉम इन्फेक्शंस, यू नो एसटीडीज हो गई और दूसरी चीज़ हो गई कि सेकेंड फैमिलीज, यू नो एक कपल ने पूरी फैमिली कम्प्लीट कर ली देन का री मैरिड और फिर नाउ स्टार्टिंग न्यू फैमिली, दैट्स बिग पार्ट ऑफ फर्टिलिटी जो आते हैं लोग। पाकिस्तान इज़ वेरी डिफरेंट, पाकिस्तान में ये है कि typical couple coming is ke unke they got married, they didn't get kids, now they're oh my god what happens, and wo they're trying to figure out ki kaise hum aulaad kare, to jahan pe prevent karne ka, I think the aapke jo aap keh sakti hain ki really PCOS is one ke jisme too much overweight or underweight, weight management I think is one aspect jiska fertility pe ho sakta hai effect, theek hai, aur बाकी है कि मोस्ट ऑफ देम आर रियली नॉट प्रिवेंटेबल थिंग्स, एंडोमेट्रियोसिस हो गई, दैट्स जेनेटिक, जो मेल फैक्टर का हो गया कि अभी टू सम एक्सटेंट जो है कि जिसमें स्पर्म काउंट, स्पर्म प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज्ड, तो उसमें यह है कि दैट्स रियली हार्मोन रिलेटेड, और आपका यह है कि something that we should work on. koi number lock sab jaan log aap se rabta karna chahe agar tu rabta kar sake, you have number mere paas to screen pe strip pe number aa raha hai, aur main chuki humne ye program isliye kiya hai ki hum help out kar sake un logon ko jinke ki aulaad nahi hai aur jo banchpan ke masle ka shikar hai, to 0331556 5570 ji haan ji, look at that center's number 0331556 5570. We got great staff. I think they'll help. They'll able to answer questions. और दूसरा ये कि हमने पूरे पाकिस्तान में हम we want to be able to help. So हमने we have created a system for people who are coming from Karachi and very distant, Lahore से आते हैं, मुल्तान से हमारे पास आते हैं. So we do encourage people to come for the first consult. लेकिन फिर हमारे affiliates हैं throughout the country. ठीक है. So we're able to do most of the treatment in the local community. ठीक है. Karachi में हो गए, Karachi से बहुत couples हमारे पास आ रहे हैं. Lahore se about travel kar rahe, to usme phir we able to do a lot of the work there, the final but 5 to 7 days they come to our center to for the final treatment. Yani ye sirf Rawalpindi Islamabad ke logon ke liye nahi hai, pure Pakistan ke log number par raabta kar sakte hain, aur agar wo chahe is masle ka hal, to chuke doctor saab jo hain ye foreign qualified hain, to I think inka exposure zyada unhe wo karta hai, experience deta hai ki wo is tarah ki cheezon ko deal kar sake. Thank you Dr. Rizwan for being with us. Thank you so much. Aur agar aap Nimra ka khoobsurat sa gana sunna chahe to ye more than welcome. Of course, you got a beautiful voice, a beautiful singer. Okay, so we're going to have a ek gana sunate hue break ki taraf jayenge aur fir uske baad dusra sunenge. Theek hai?